वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि के पाठक ने अपना पद छोड़ दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। NBC 24 न्यूज़ के खबर का असर हुआ है और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अपना पद छोड़ दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अभी कुछ देर पहले सामान्य प्रशासन विभाग को एक लेटर जारी किया है और कहा है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। जी हाँ, ये वही के पाठक हैं जो लगातार नया फरमान जारी करते रहते थे और बिहार के शिक्षकों के लिए कोई नया आदेश देते रहते थे। जानकारी आई थी कि के पाठक ने कल छुट्टी ली है और कल छुट्टी लेने के बाद अभी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि लगातार के पाठक की पिछले कुछ दिनों से फजीहत हो रही थी डॉक्टर अजय से गाली गलौज करने की। जो बातें निकल कर सामने आई थी जिसको लेकर के पाठक पर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, तो वहीं बिहार के शिक्षकों को भी आए दिन नया आदेश के पाठक के द्वारा जारी होते रहता था, जिसके कारण के पाठक ने डॉक्टर अजय को भी गाली दी थी, जिसके बाद उनका ऑडियो वायरल हो गया और उसके बाद के पाठक की खूब ज़्यादा फजीहत होने लगी, जिसकी खबर NBC 24 न्यूज़ द्वारा भी चलाई गई थी। उसके बाद NBC 24 न्यूज़ को भी लीगल नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद NBC ने भी बिना डरे उसका सामना किया और लगातार खबर चलाई। तो हम आपको बता दें कि NBC 24 न्यूज़ के खबर का कहीं ना कहीं असर हुआ है और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है कि अभी कुछ देर पहले उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को अपनी इस्तीफे का जो लेटर है वो जारी किया। आपको बता दें कि जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक बनाए गए थे तब से वो लगातार एक्शन मोड में रहते थे। कहीं ना कहीं बिहार के शिक्षक भी उनसे कई ज़्यादा परेशान रहते थे क्योंकि वो अपने आदेश को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते थे और कभी छुट्टी को लेकर तो कभी किसी भी चीज़ को लेकर उनकी अक्सर फजीहत होती रहती थी। इस बार भी उन्होंने डॉक्टर के साथ गाली गलौज का मामला सामने आया, जिसके बाद के पाठक की फजीहत और ज़्यादा होने लगी। उसके बाद अभी जानकारी निकल कर सामने आ रही है और ये खबर मिली है कि के पाठक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।